देवास जिले के सतवास तहसील में युवा कांग्रेस के नेतृत्व में आज जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बैलगाड़ी से रैली के रूप में कांग्रेस जन सतवास के विभिन्न मार्गों से होते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे। रैली में मोटरसाइकिल की शव यात्रा भी निकाली गई। बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल व साथ में रसोई गैस व खाद्य सामग्री के भाव व बेतहाशा बिजली बिल के राहत देने व साथ ही साथ किसानों को वर्ष 2020 की बीमा राशि व राहत राशि की तीसरी किस्त शीघ्र डालने की मांग करते हुए ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया है। इस अवसर पर सैकड़ों कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। IBN 24 न्यूज के लिए राजेश यादव की रिपोर्ट। प्रति चाहे डीजल पेट्रोल रसोई गैस हो या खाद्य सामग्रियों की हो, आम जन का जीना दुर्बार हो गया है। जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि खाद्य सामग्रियों के भी मूल्य बढ़ते जा रहे हैं, और अभी विगत कोरोना काल की मार से अभी लोग हमारे संभल भी नहीं पाए थे और बेहताशा महंगाई का सामना करते करते वो अब थक चुके हैं। बिजली के बिल हो, रसोई गैस हो या डीजल पेट्रोल हो, बेहताशा मूल्य वृद्धि से आमजन परेशान है। उसी को लेकर आज मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने, युवा कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया गया।